हेलो स्टूडेंट्स, आपको लास्ट क्वेश्चन एक करवाया था। इसमें लिक्विडेशन में दो क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें जैसे दिया हुआ है, ए लिमिटेड वेंट इनटू वारंटी लिक्विडेशन ऑन 31 मार्च 2015। इसमें आपको बैलेंसेस दिए हैं, कैश इन हैंड गिवन है 12,400। आपको असेट रिलीज एज फॉलो, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है 60,000। इन्वेंट्री आपको गिवन है 40,000। प्रोफेंशियल क्रेडिटर्स आपको गिवन है 4,500। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपको गिवन है 1,50,000। आपको 10.8% डिवेंचर्स दिए हैं, जिसमें ब्रैकेट में दिया हुआ इंटरेस्ट पेड अप टू 30 सितंबर 2014, उसकी अमाउंट है 40,000। उसके बाद आपको लिक्विडेशन एक्सपेंसेस गिवन है, जिसकी अमाउंट है 2,510। शेयर कैपिटल दिया हुआ 8,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 80,000। नीचे एडजस्टमेंट में कहता है ये डिबेंचर्स वर पेड ऑफ ऑन 30 जून 2015। डिबेंचर की जो पेमेंट की डेट है वो 30 जून 2015 है और आपकी लिक्विडेशन की डेट है 31 मार्च 2015। लिक्विडेटर्स रेमोरेशन वाज एग्रीड एट 2.5% ऑन असेट रिलीज एंड 2.5% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो ये सिंपल आपको बता दिया कि रेमोरेशन आपने किस तरीके से उनको पे ऑफ करनी है। अब इसमें जो क्वेश्चन आपने करना है, सबसे पहले जो अमाउंट आपकी आएगी वो आएगी कैश इन हैंड। कैश इन हैंड जो आपको दिया हुआ है वो आपके पास गिवन है 12,400, तो वो आपने यहाँ पर शो करना है। यहाँ लिखेंगे टू कैश इन हैंड और वो अमाउंट आपकी आ जाएगी 12,400। उसके बाद अगली आइटम हमारी रहती है टू असेट रिलीज्ड। असेट रिलीज्ड, अब जो असेट रिलीज्ड हैं उसमें फर्स्ट आइटम जो आपकी रहती है वो इन्होंने यहाँ पर आपको गिवन ही दिया हुआ था ऊपर, प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेंट्री, दो चीज़ें यहाँ पर रिलीज हुई हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी, उसकी अमाउंट आपको यहाँ पर ऊपर गिवन थी 60,000, तो वो यहाँ पर आ जाएगा आपका 60,000। उसके बाद अगला जो आइटम इसमें आपको गिवन है वो है आपकी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की भी अमाउंट आपको ऊपर बताई थी मैंने, वो है आपकी 40,000। अब इसका आपने टोटल कर लेना है क्योंकि और कोई अमाउंट आपकी इसमें आनी नहीं है। तो टोटल जो आपका इसका बनेगा वो रहेगा 1,12,000। तो ये इस टाइम आपके पास टोटल कैश अवेलेबल है। अब जो पेमेंट साइड हम जाएंगे ये आपके स्टेप्स पे ही डिपेंड करेगा। स्टेप्स में जैसे पहला आपको लीगल चार्जेस बताएं लेकिन वो गिवन नहीं है, तो यहाँ पर आपका आएगा लिक्विडेशन, लिक्विडेटर रेमोरेशन। तो यहाँ पर लिक्विडेटर रेमोरेशन अकाउंट जो है आपने बनाना है। अब उसमें इसने पहले बोला हुआ था आपको लिक्विडेशन रेमोनेशन वाज एग्रीड टू 2.5% ऑन द असेट रिलीज्ड, तो आपके जो टोटल असेट रिलीज हैं तो वो अमाउंट आपकी ये वाली है 60,000 एंड 4,000। तो इसमें आपने इसका 2.5% लेना है, ठीक है, ये 2.5% 1,00,000 का अमाउंट आपका ये बनेगा 2,500। उसके बाद जो अगला इसमें आपने काम करना है, सेम आपको आगे इसने बोला था कि 2% ऑन कौन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इसमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी इंक्लूड होंगे। इसके बाद उसके दो कॉलम आप छोड़ दीजिएगा भी। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम आपके पेमेंट का सीरियल ऑर्डर आएगा वो रहेगा आपका लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। अब जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है वो आपको इसमें दिया हुआ है, वो आपके पास गिवन है 2,510, उसे आपने यहाँ पर शो कर देना है 2,510। उसके बाद 2,510 के बाद जो नेक्स्ट आपकी आइटम आएगी वो आएगी आपके डिबेंचर्स बाय 8% डिबेंचर। डिबेंचर के केस में मैं आपको फिर बता रहा हूँ जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपने इस केस में जब इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको डिबेंचर का इंटरेस्ट बोला हुआ है, डेट दी हुई है, इसमें आपको देखना होता है कि आपकी कंपनी सॉल्वेंट है या इनसॉल्वेंट है। डिबेंचर आपके पास गिवन है 40,000। अब जो आपकी कंपनी है, अगर आपकी कंपनी सॉल्वेंट है
तो उस केस में डिबेंचर का इंटरेस्ट आप पे करोगे 30 जून 2015 तक, और अगर आपकी कंपनी इंसॉल्वेंट है तो उस केस में डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करोगे 31 मार्च 2015 तक। अब सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट का भी मैंने आपको बताया था कि अगर कंपनी आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट पूरी कर देती है तो उस केस में तो आपकी कंपनी मानी जाएगी सॉल्वेंट, और अगर आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट पूरी नहीं हो पाती है तो उस केस में आपकी कंपनी मानी जाएगी इंसॉल्वेंट। तो उसके लिए अभी हमें आगे चेक करना पड़ेगा, तो उसको अभी आप छोड़ दीजिएगा। इसके जो इंटरेस्ट है यहाँ पर, इस अमाउंट को अभी हम कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद अगली आइटम आपकी है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की। अगर आप प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स देखते हैं तो वो आपको इसमें गिवन थे, ऊपर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वो आपके पास हैं 4500। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स यहाँ पर आपके आ जाएंगे 4500। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो आपका रहेगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। अब जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं वो आपके गिवन हैं यहाँ पर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अमाउंट गिवन है 1,50,000। और अगर आप यहाँ पर बैलेंस देखें आपके पास टोटल रिसिप्ट का, वो बैलेंस आपके पास गिवन है 1,12,400। तो इसका मतलब तो ये है कि आपके जो बैलेंसेस का अमाउंट है वो आपके पूरा अमाउंट कवर नहीं हो रहा है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। तो इस केस में जो आपकी कंपनी है वो यहाँ पर इंसॉल्वेंट मानी जाएगी, क्योंकि आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो अब आपने जो काम यहाँ पर करना है, इसका मतलब सिंपल है कि आपके जो इंटरेस्ट की अमाउंट रहेगी वो अब 30 जून तक नहीं आएगी, ये यहाँ तक नहीं होगी। अब आपके इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी 31 मार्च तक। तो लास्ट पेमेंट आपकी कब की है? 30 सितंबर से। तो 30 सितंबर का मतलब ये है कि आपने अब इंटरेस्ट निकालना है अक्टूबर टू मार्च। तो ये जो अक्टूबर टू मार्च 6 महीने का जो इंटरेस्ट आपका बनेगा 40,000 पे 8/100 मल्टीप्लाई 6/12, ठीक है जी। अब ये जो इंटरेस्ट आपका यहाँ बनेगा वो आएगा आपका 1,600, और टोटल अमाउंट 4,160,000। तो ये आपकी अमाउंट है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट निकालने का तरीका, कंपनी यहाँ पर इंसॉल्वेंट है इसलिए इसका इंटरेस्ट उस तारीख तक निकलेगा जब आपकी कंपनी लिक्विडेट हो रही है। और अगर आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट पूरी हो जाती तो इस केस में आपका जो इंटरेस्ट है वो 30 जून तक के लिए कैलकुलेट होता। तो एक तो आपने ये चीज़ यहाँ पर रखना है, ठीक है, 41,600। अब यहाँ पर इंटरेस्ट निकालना है, इसकी रेमोल्यूशन देनी है, सॉरी 2% आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे तो पूरा आ जाएगा 4,500 पे। तो 4,500 पे आपका अमाउंट बनता है ये 90। अब आपने क्या करना है, 1,12,400 में से आपने इन सबको माइनस करना है। माइनस करके आपका अमाउंट यहाँ पर जो बचेगा वो उस अमाउंट पे आपने अब कमीशन देना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट पूरी नहीं होती है तो उस केस में आपका फॉर्मूला रहेगा परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100+%। तो यहाँ पे आएगा 100/102। और अगर आपके पेमेंट पूरी हो जाती है, जैसे यहाँ पर आपके इसकी पेमेंट पूरी हो रही है तो इसलिए इसे यहाँ पे हमने 2/100 किया है, क्योंकि आपके इसकी पेमेंट पूरी कर रहे हैं। और अगर आपकी पेमेंट पूरी होती है तो यहाँ पर भी 2/100 आता है, लेकिन यहाँ पे आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट 1.5 लाख नहीं हो पाएगी, उनकी पेमेंट सिर्फ 61,200 हो पाएगी। तो अब आपने जो बैलेंस इसमें से आप इन सबको माइनस करोगे तो ये बैलेंस आपका निकल कर आएगा 61,200, और इस पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी कमीशन बनेगी 1,200। तो अब आपने इन सबको यहाँ से लेस करना है, और लेस करके जो बैलेंस आपका बचेगा वो आएगा 60,000। तो ये जो 60,000 आपका बैलेंस यहाँ पर बचेगा, ये बैलेंस आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपने समझना है, मेन पॉइंट इसमें आपका ये डिबेंचर वाला है और दूसरा आपका ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का है। कंपनी इस केस में इंसॉल्वेंट है, ठीक है, रीज़न उसका क्योंकि क्रेडिटर्स की पेमेंट पूरी नहीं हो पाई है। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है और इस क्वेश्चन के अंदर। थैंक यू।